श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वावधान में आज दशहरा उत्सव महाराजा हरिचंद डिग्री कॉलेज के विशाल प्रांगण में रावण दहन कर धूमधाम से मनाया गया और भगवान श्री राम का राज तिलक किया गया। रावण दहन से पहले लाजपत नगर रामलीला मैदान के विशाल रंगमंच पर कार्तिकेय संस्था मुरादाबाद के कलाकारों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श व जीवन लीलाओं का मंचन किया गया। आज की लीला में युद्ध भूमि में रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ युद्ध करने आता है और उसका राम लक्ष्मण से भीषण युद्ध होता है। मेघनाथ लक्ष्मण जी पे शक्ति का प्रयोग करता है जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उन्हें उठाकर मेघनाथ लंका ले जाने का प्रयास करता है। तभी हनुमान जी आकर मेघनाथ पर प्रहार करते हैं और वो चला जाता है। हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर राम के पास ले आते हैं। राम लक्ष्मण को देखकर विलाप करने लगते हैं। तब विभीषण बताते हैं कि लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया जाए। हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को ले आते हैं। वो लक्ष्मण की स्थिति देखकर बताते हैं कि कल सूर्य उदय से पहले अगर संजीवनी बूटी आ जाए तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान राम जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं और संजीवनी बूटी लाकर उन्हें उसका रस पिलाते हैं और लक्ष्मण जी मूर्छा त्याग कर उठ जाते हैं और वो हनुमान अंगद और सुग्रीव के साथ मेघनाथ से युद्ध करने के लिए लंका के भीतर प्रवेश करते हैं और मेघनाथ का वध कर देते हैं। उसके बाद रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण जागरण रावण की आज्ञा लेकर युद्ध के मैदान में आता है और वानर सेना में हाहाकार मच जाती है। तब राम कुंभकर्ण के सामने युद्ध करने के लिए आते हैं और कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। अंत में रावण राम लक्ष्मण के साथ भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के कहने पर राम रावण की नाभि का अमृत सुखाने के लिए अग्नि बाण का प्रयोग करते हैं और रावण मारा जाता है।
आज की व्यवस्था में समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री विनोद बाबू सक्सेना, मंत्री श्याम कृष्ण रस्तोगी, कोषाध्यक्ष मुकुल बंसल, हरि गोपाल शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, शिव शरण अग्रवाल, मनोज व्यास, विवेक शर्मा, शम्मी रस्तोगी, अविनाश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, ठाकुर नरेंद्र सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, अंकित वाजपेयी, वैभव बंसल, राजेंद्र खन्ना, एक सिंगर के गुप्ता आदि ने सक्रिय सहयोग देकर व्यवस्था बनाए रखी। दिनांक 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर तक श्री पगन दर्पण जी द्वारा जो ये रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, ये भव्य कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके अंदर जितने भी श्रद्धालु हैं शहर के और जो हमारे आसपास के श्रद्धालु हैं, सब ने बहुत ही धर्म लाभ कमाया। और इस बार की जो रामलीला है अपने आप में एक अद्वितीय रामलीला हुई है, जिसके अंदर श्री पगन जी दर्पण द्वारा और कैलाश पंडित जी द्वारा बहुत ही सुंदर अभिनय किया गया है और सबने इसको सराहा है। और मैं भविष्य में भी आशा करता हूँ कि ऐसे ही हमारे इससे भी अच्छे आयोजन यहाँ पर होते रहेंगे और पब्लिक धर्म कमाती है। रावण जी के भी रूल बनाए गए हैं, उनको जो मास्क लगाया गया है वो इसी वजह से है कि आने वाला समय में जो कोविड बीमारी है ये दूर हो जाए। और वैसे भी जो नवरात्रि के व्रत में जो हवन हुए हैं उससे भी कोविड, मैं समझता हूँ कि 15 दिन बाद कोविड का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हवन की जो भी इसका वो हुआ है, जो इसका निकलता है उससे भी वातावरण बहुत शुद्ध होता है और आम की लकड़ी और जो भी हमारा पूजा सामग्री होती है इससे भी बहुत शुद्ध हुआ है। और ये बीमारी मैं समझता हूँ, और हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि जब तक इसकी दवाई आ रही है और आने वाले 15 दिन में इसकी दवाई भी आ जाएगी और ये सब दूर हो जाएगा।